नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नज़र। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। लखनऊ में सीएम योगी ने 431 कृषि सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया। बोले, किसानों तक पहुँचाए सरकार की योजनाएँ, यूपी देश भर के लोगों को पेट भरने की क्षमता भी रखती है। और उपचुनाव के बाद सपा अध्यक्ष का लखनऊ में मंथन, पूर्व विधायक हुए शामिल अखिलेश। बोले, अस्पतालों में अराजकता की स्थिति है, न इलाज मिल रहा है और न ही दवा मुहैया कराया जा रहा है। पाकिस्तानी विदेशी मंत्री ने मोदी को कसाई कहा, भारत का जवाब शायद 1971 भूल गए। तेजस्वी सूर्या बोले, वो पाक का पप्पू है। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री विराट भट्ट को बयान का कड़ा विरोध जताते हुए फटकार लगाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भट्टो शायद 1971 भूल गए हैं। वही भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बोले, बिलावन को पाकिस्तान का पप्पू भी कहा जाता है। और इस तरह इंडिया टीम गिल पुजारा की सेंचुरी पर झूम उठे विराट। टेक्नोलॉजी फॉल्ट के कारण RDRS नहीं ले सका बांग्लादेश, जाने तीसरे। प्रयागराज में वकील ने खुद कराई थी अपनी हत्या, सहयोगी से कहा था, मुझे मार दो, मैं जिंदा हो जाऊंगा, तुमसे हरिद्वार में मिलूंगा। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में 2500 करोड़ की परियोजनाओं का प्रस्ताव, 150 परियोजनाओं के प्रस्ताव पर मुहर। 5 BRB बनेगा, 100 सड़कें चौड़ी होंगी। प्रयागराज में अनूठे अंदाज में जवानों ने मनाया विजय दिवस। प्रयागराज में संगम नोज पर सेना की ओर से हुआ आयोजन, नाव पर झंडा लेकर निकले सेना के जवान। रामपथ चौड़ीकरण मुआवजे को लेकर लेखपाल पर क्षतिपूर्ति हड़पने का आरोप, लेखपाल ने भूस्वामी से कहा 5 लाख में 1 लाख मैं लूंगा, SDM से की शिकायत। अयोध्या में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता, कानपुर मंडल को 3-1 से सीधे सेटों में दी शिकस्त। वहीं अमेठी में नगर निगम चुनाव को लेकर एक्टिव हुई पुलिस, SP ने मतदान केंद्र का किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अमेठी में मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख की स्मैक बरामद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। बलिया के लाल को मिला शिक्षा शिरोमणि सम्मान, मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ उज्जैन ने दिया सम्मान, लोगों ने गाने बजाने के साथ किया स्वागत। लखनऊ में एयरटेल ने शुरू की 5G सुविधा, बनारस के बाद लखनऊ दूसरा शहर जिसमें 5G सुविधा। लखनऊ में पुरानी पेंशन को लेकर तेज हुआ आंदोलन, खाली पद भरने समेत आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने समेत कई मांगों को किया जाएगा शामिल। वहीं लखनऊ में यूपी में निवेश करेंगी जापान की दवा कंपनियां, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने एक प्राविधिक, शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने किया रोड शो। लखनऊ में पठान मूवी का विरोध, शाहरुख खान का जलाया पुतला, कार्यकर्ताओं का ऐलान, सिनेमा घरों में मूवी की स्क्रीनिंग हुई तो आगजनी होगी। रिवर फ्रंट पर की जाएगी CBI की टीम, LDA और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी जाँच में होंगे शामिल, जानेंगे किस स्तर पर फ्रॉड हुआ। यूपी में पठान का विवाद, दीपिका शाहरुख का पुतला फूका, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। बोले, फिल्म दिखाई तो सिनेमाघरों का नक्शा बदल देंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर खाप पंचायत करेगी बड़ा आंदोलन, 19 दिसंबर को कलेक्टर पर एकजुट होंगे किसान और मजदूर, देंगे ज्ञापन। यूपी में सभी सीटों पर निकाय चुनाव लड़ेगी आप, पार्टी पदाधिकारियां बोले, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशियों का चयन होना शुरू। निकाय चुनाव में भाजपा का बूथों पर रहेगा फोकस, मीटिंग में चुनाव सह प्रभारी ने पार्टीजनों को पढ़ाया बूथ प्रबंधन का पाठ। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, साड़ी कारोबारी से फ्रॉड करता था, पुलिस को 10 मामलों में थी तलाश। वाराणसी में सहयोग ऐप से दर्ज होगा ब्यौरा, वाराणसी में अब एक क्लिक पर मिलेगी आंगनबाड़ी केंद्रों की पूरी जानकारी। वाराणसी में रिटायर्ड सरकारी कर्मियों को काम की खबर, आयुक्त सभाकार में कल पेंशन की समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। अधूरी तैयारियों के साथ पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू, 18 रुपये प्रति यूनिट के खर्च पर वाहन कर सकेंगे चार्ज, एक बार में 6 गाड़ियां होगी चार्ज। शांति का संदेश लेकर निकला नगर निगम कीर्तन, श्री गुरु तेज बहादुर साहिबा का मनाया शहीदी दिवस, कर्तव्य देख हैरान में पड़ गए लोग। बनारस की चाट खाकर शाह ने किया बखान, कहा यहाँ के लोगे चटकारे तमिलनाडु तक सुनाई देंगे, इसकी तारीफ साथी मंत्रियों ने भी की।
प्रयागराज में श्रृंगार गौरी केस में अब 21 को होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने की नियमित पूजा की मांग, राम जन्मभूमि के आदेश का कोर्ट में दिया हवाला। वहीं यूपी में बने हथियार से चीन को खदेड़ रहे जवान, त्रिशूल ब्रज और सुपर पंच से डर कर भागे दुश्मन, पढ़िए कैसे करते हैं ये अपने काम। प्रयागराज में अफसर के घूस मांगने का वीडियो हुआ वायरल, दुकानदार से बोला रुपए दे दो एक साल तक नहीं आएंगे, अगली बार आए तो रेट बढ़ जाएगा। मथुरा में साइकिल मोबाइल पाकर खिले छात्रों के चेहरे, मथुरा में किसान इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ प्रतिभा सम्मान सम्मेलन। मथुरा में बसंतम दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, मथुरा में सेना के स्ट्राइक वन कोर मुख्यालय पर शहीदों को किया गया नमन। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई बसंत ऐतिहासिक लड़ाई 51वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले मथुरा के सेना के स्ट्राइक वन कोर मुख्यालय पर स्थित युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने हुए नमन किया गया। इसी के साथ धन्यवाद। चैनल पर पढ़िया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर।